अस्सलाम वालेकुम लवली पेरेंट्स एंड वेलकम अगेन टू मम्जी टॉक्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट कि बच्चों को मच्छरों से किस तरह बचाया जाए। तो आई एम श्योर कि बहुत सारे आप में से होंगे जिनको पता है, चीज़ की नॉलेज है कि यूजुअली बच्चों को या किसी को भी हमें अपने आप को मच्छरों से किस तरह बचाना चाहिए। बट आज के वीडियो में मैं एक कंप्लीट डिटेल आपको बताऊंगी और कुछ फैक्ट्स बताऊंगी जिससे कई सारी हेल्प आपको मिल सकती है, जिसे आप अपने आप को और अपने बच्चों को मच्छरों से बचा सकते हैं और मच्छरों से होने वाली बीमारी स्पेशली डेंगू से बच सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले एज यूजुअल मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, ताकि पेरेंटिंग की अमेजिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूँ। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों को मच्छरों से बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मच्छरों से ना ही सिर्फ डिस्कम्फर्ट होता है बल्कि डेंगू जैसी बीमारी होने का भी खतरा होता है। अब इंडोर और आउटडोर दोनों में किस तरह से हमें बच्चों को बचाना चाहिए, तो पहले हम इंडोर की बात करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे अंदर ही रहते हैं घर के, तो अंदर का एनवायरनमेंट अगर मॉस्किटो फ्री होगा तो बीमारियों का और डिस्कम्फर्ट का चांसेस बहुत कम होते हैं। तो सबसे पहले अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर मच्छर बहुत हैं आसपास, तो उसके लिए आपको सबसे पहले मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए और आपको पूरी जाली वाली खिड़कियाँ दरवाजे लगवाने चाहिए। अगर आपके पास जाली वाली खिड़की दरवाजे हैं तो बहुत अच्छा है, वेंटिलेशन भी आएगी और मच्छर भी नहीं आएंगे। तो मेक श्योर कि कम से कम खिड़की दरवाजे खोले और वेंटिलेशन के लिए आप जाली लगाए रखें। मेक श्योर कि आप अंदर घर के, बहुत ही फेमस है कि हम मॉस्किटो रेपेलेंट लगाते हैं जो वेपराइजर वाला मॉस्किटो रेपेलेंट होता है, लेकिन कई सारे केमिकल वाले होते हैं और घर में अगर बच्चे हैं स्पेशली इन्फेंट्स तो उनके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो आप नेचुरल वेपराइजर का यूज़ करें, जो गुड नाइट नेचुरल्स उसका एक एग्जाम्पल है, जो ईजिली कहीं भी आपको मिल जाएगा। आप उस टाइप का वेपराइजर लगा के आप एसी का यूज़ करें, एसी से अंदर मॉइस्चर फ्री रहता है एनवायरनमेंट और मच्छर कम हो जाते हैं, पनपते हैं अंदर, क्योंकि मॉस्किटोज जो हैं वो ज़्यादातर ह्यूमिड और गर्म और मॉइस्ट एरिया प्रेफर करते हैं। तो अगर एसी अंदर है तो उससे भी चांसेस कम होंगे कि मच्छर अंदर रहेंगे। और अगर आप एसी आपके पास नहीं है तो आप फ़ैन का यूज़ करें, क्योंकि फ़ैन भी मच्छर को कई हद तक कम करता है, क्योंकि मच्छर जो है बहुत ही वीक फ्लायर्स हैं और वो तेज़ हवा में मतलब उड़ते नहीं हैं, उड़ना उनसे हो नहीं पाता। तो फ़ैन से भी आप मच्छर से छुटकारा पा सकते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रिक बग जैपर्स होते हैं जो आप लगा सकते हैं और तो मच्छर ही नहीं बल्कि मक्खियाँ और बहुत सारे बग्स को भी कैच करता है। इसके अलावा आप इलेक्ट्रिक बैट यूज़ कर सकते हैं, जो हैंडी आप रख सकते हो अपने आसपास। अगर आपके घर में इन्फेंट है तो जहाँ वो सो रहे होते हैं, जैसे उनकी क्रेब या जहाँ पर भी वो सो रहे होते हैं, वहाँ मच्छरदानी का इस्तेमाल करें ताकि वो मच्छर से बचे रहें। तो अब बात करते हैं कि हम आउटडोर्स में किस तरह से बच्चों को मस्कीटो से बचाएं। मच्छर ज़्यादातर शाम के टाइम पर देखे जाते हैं और अर्ली मॉर्निंग में, तो मेक श्योर कि ऐसे टाइम पर बच्चे बाहर ना जाएं, और अगर बाहर जाएं ऐसे टाइम पर या फिर उस ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ मच्छर आने का खतरा है, उनको फुल स्लीव्स टॉप्स और फुल लेग कवर्ड ऐसे कपड़े पहनाएं। इसके अलावा आप नेचुरल फैब्रिक रोल ऑन, जैसे गुड नाइट का फैब्रिक रोल ऑन यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने खुद यूज़ किया है अपने बच्चे पर और मुझे उसका काफ़ी इफ़ेक्टिव लगा, वो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। तो वो आप बच्चे के ऊपर लगाएं, वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना होता है और बहुत ही सेफ है बच्चे पर। इसके अलावा आप मामा अर्थ के एंटी मॉस्किटो पैचेस भी यूज़ कर सकते हैं, जो मेरे फ्रेंड्स ने यूज़ किया है और उनका रिव्यू भी काफ़ी अच्छा आया है। तो ये दो प्रोडक्ट्स आप बच्चे पर लगा सकते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं और मच्छर ही नहीं बल्कि और भी बग्स और इंसेक्ट्स उनके आसपास नहीं आएंगे इसको यूज़ करने से। तो
इस तरह से आप कई हद तक डेंगू जैसे बीमारियों से बचा सकते हैं अपने बच्चे को और अपने आप को। मेक श्योर आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और आप मच्छरों से बच सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। होपफुली आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।